प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। लेसन वीडियो को हमेशा आखिर तक देखा करें ताकि बात पूरी समझ में आए। नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ टुडेज लेसन इज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। ओके, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शन। तो आप ज़रा यहाँ पे नोट करें, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी ये ऑलरेडी पॉइंट में लिखा होगा, इसमें डेसिमल पॉइंट होगा और उसको हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ नंबर इन डेसिमल फॉर्म एंड वी आर टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। पॉइंट के बाद हाउ मैनी डिजिट्स आर बिफोर दिस डेसिमल पॉइंट, बिकॉज वी हैव ओनली वन डिजिट, सो we will write only 1 10. Now in this question we have two digits before decimal point, so we will write 100. 100 is multiple of 10 और 3 0.007. इट मीन्स वी हैव थ्री नंबर्स बिफोर डेसिमल पॉइंट, सो वी विल राइट 1000. दिस इज आल्सो ऑन योर पेज 37, 0.456. नाउ दिस इज इन डेसिमल फॉर्म, यानी ये डेसिमल नंबर है, इसमें पॉइंट आता है, जिसमें पॉइंट आता है ना उसको हम डेसिमल कहते हैं, और डेसिमल ख़त्म करने का तरीका क्या है, नंबर लिखें, वी विल राइट नंबर। एंड नाउ इन प्लेस ऑफ दिस फॉर दिस डेसिमल पॉइंट वी विल राइट 1, एंड देर आर थ्री डिजिट्स 1 2 3, वी विल राइट 3 0s. Now this is in the form of fraction. Number 5. Now there is another example, 1.7193. Now again see that we will write all the digits, all these numbers, and for this decimal point we will write 1, and there are 4 digits. हमारे पास चार अदाद हैं एंड डिजिट्स, तो हम चार दफा जीरो लिखेंगे। बस आपने फर्क महसूस करना है कि ये नंबर होता है डेसिमल नंबर, दिस इज द डेसिमल नंबर, एंड दिस इज फ्रैक्शन। चीज वही है, बस जिस तरीके से लिखा होगा हमने उसी के हिसाब से उसका नाम बताना होता है। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 8. On page 37. Now, according to the question, we will multiply these two decimal numbers, and when we multiply, the answer will be 75, and because there are two digits before decimal point, there are two digits, so we will put decimal point after two digits, 1 2, and point will come here. So we will write here 0.75. now we will convert into fraction form
for this decimal point we have one, there are two digits, we have written two zeros in the denominator. Now simplify. अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई आप कटिंग करते चले जाएं, आप फाइव से डिवाइड होता है तो फाइव से कर लें, अगर बड़े नंबर का आपको पता है तो उससे कर लें, मसलन 25 3 25 4. तो वी गेट द आंसर 3/4. वी हैव मल्टीप्लाइड दिस नंबर, वी गॉट दिस आंसर, बट वाई वी हैव कन्वर्टेड इन टू दिस फ्रैक्शन फॉर्म, बिकॉज in the question it says express your answer as a fraction. ki question mein keh raha hai ki aapne fraction mein answer likhna hai, isliye humne fraction mein likha hai, warna multiply karne se to seedha seedha ye jawab aa gaya tha, lekin kyunki wo keh raha hai ki aap isko fraction mein likhein, isliye ye humne fraction mein convert kiya. agar aap is video mein naye the to channel ko zarur subscribe kar le, bell icon ko bhi press kare taaki आइंदा हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें. खुदा हाफिज़.